हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और सुबह का टाइम है तो सुबह के बज चुके हैं 8। ये देखिए सुबह के 8 बज चुके हैं और हस्बैंड और बच्चे जा चुके हैं, तो बस अब होगा मेरा काम शुरू। लेकिन इससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि घर की हालत क्या है, मैं उसके बाद करूँगी काम अपना। क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं बना चुकी हूँ, लंच की तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ, तो पहले देख लेते हैं किचन की हालत की किचन की हालत क्या है। तो ये देखिए पूरी फैली पड़ी है किचन, सारे बर्तन वर्तन भी फैले पड़े हैं अभी। और ये देखिए इसमें अभी पोहा भी बनाया था मैंने, ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा, तो इसमें तो है पोहा, ये पोहा बनाया था मैंने आज नाश्ते में। और इसमें है भिंडी की सब्जी और बाकी आटा मला हुआ है, तो आटा मला हुआ भी रखा है। तो ये सामान मैं सारा अभी खाली करके रखूंगी। और ये देखिए इधर ये धुले थे मैंने कल कपड़े, तो बच्चों की यूनिफॉर्म पे तो मैंने प्रेस करके दे दी थी सुबह, साथ के साथ ही प्रेस करके दिए। और प्रेस भी मैंने इसलिए अभी हटाई नहीं है क्योंकि प्रेस मुझे अभी करनी है बाकी कपड़ों पर। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि सारे कपड़ों पर करो, तो तय भी करूंगी कपड़ों की और साथ के साथ प्रेस भी करके रख दूंगी जो प्रेस वाले कपड़े हैं। और ये देखिए ये पूरा सामान फैला हुआ है बच्चों का, ये देखिए ये बच्चों ने नाश्ता किया है सुबह, तो वही अभी कुछ भी नहीं हटाया क्योंकि मैंने अभी सारा सामान ही फैला हुआ है, पूरा ही सामान फैला हुआ है। और ये देखिए ये है हमारा चप्पलों का स्टैंड है, तो इसकी देखिए हालत क्या हो रखी है, जिसको भी मुझे सही करना है, कि मैं कई दिनों से सोच रही हूँ इसको। तो इसका जो ये कवर था ना वो गल गया है पूरा, और ये गल के टूट गया है। ये देखिए अभी ये मतलब इतना गल गया है, बिल्कुल कागज की तरह हो रहा है, कि जरा सा हाथ भी लगा रहे हैं ऐसे, जरा सा भी हाथ लगा रहे हैं तो ये ऐसे टूट जा रहा है पूरा, इतना गल गया है। तो आज मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके इसको साफ करूंगी क्योंकि इसको झाड़ूंगी पूरा। और ये भी पूरा ये बेकार निकल गया है, मंगाया था हमने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन ये बेकार निकल गया है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब। लेकिन मुझे इसको काम चलाऊ करना पड़ेगा दोबारा से, कि इतना तो हो जाए कि इसमें चप्पल जूते रख जाएं, और नीचे फैले पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा जगह घेर दिल लेते हैं, बहुत जगह में फैले पड़े रहते हैं जूते चप्पल। और ये देखो ये बेडरूम है, ये भी अभी पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है, पूरा फैला हुआ है। तो आज मेरा सामान सारा फैला पड़ा है, कुछ भी आज मैंने नहीं समेटा है, तो बस मैं पूरा समेटने वाली हूँ। और उससे पहले मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि मेरी थोड़ा 8-10 दिनों से तबीयत ऐसी है, थोड़ा हल्का फीवर है मेरे को, हल्का फीवर सा है, कि बॉडी पेन रहता है, सर में दर्द ऐसे रहता है, जैसे वीकनेस जैसी लगती है। तो उससे पहले मैं चाय पी गई, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा के मैं खाऊंगी पहले दवाई, उसके बाद ही मैं कर पाऊंगी। और मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, 5 बजे से काम कर ही रही हूँ। और ये बच्चों के जाने के और हस्बैंड के जाने के बाद का है घर में, क्योंकि उनके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं समेटा है, अब मैं लगने वाली हूँ काम से। तो इससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ और दवाई खा लेती हूँ, और फिर हम करते हैं अपना काम शुरू। और मौसम और दिखा देती हूँ, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, वैसे कुछ दिनों से हो रहा है ठंडा ठंडा, लेकिन आज भी अच्छा है। हमारे पौधे, और इनमें से भी मुझे घास साफ करनी है क्योंकि इनमें घास हो रही है काफी। ये देखो ये जैसे घास हो जाती है, ये इस तरह की घास वास बहुत हो गई है, तो ये भी मुझे साफ करनी है। पहले अंदर का काम कर लेते हैं, और अंदर का काम करने के बाद में जब मुझे टाइम बचेगा तो मैं तब करूंगी घास वगैरह साफ, क्योंकि ये तो घास तो ऐसी है कि अगर आज भी नहीं करूंगी तो कल कर लूंगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला काम समेटना मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत फैल रहा है, तो टाइम तो लगने वाला है। 8 बज रहे हैं, मैं चाय पी के लग जाती हूँ अपने काम से, और देखते हैं कितने बजे तक काम खत्म होता है, फिर मैं क्लीन करके पूरा कर तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। ये पूरा हाल किया हुआ है बच्चों ने पूरा, देखो ये शाम को ड्राइंग वगैरह करते हैं, अपना काम करते हैं सुबह में भी, और तो उसके चक्कर में पूरा फैला पड़ा रहता है, टाइम मिल नहीं पाता है बच्चों को। तो वैसे बातें ज़्यादा नहीं करते हुए काम करते हैं शुरू। मैं किचन में आ चुकी हूँ, और पहले मैं करूँगी जो खाना और नाश्ता वगैरह और आटा वगैरह सब बाहर है, पहले मैं उसको जो चीज़ मुझे फ्रिज में रखनी है वही मैं पहले फ्रिज में रख दूँगी। जैसे आटा भी मैं फ्रिज में रख दूँगी और सब्जी भी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे करीब देखो 2 या 2:30 बजे के करीब 3 बज जाते हैं, बल्कि लंच करने में हमें 3 बजे के आसपास हम लंच करते हैं। तो उसमें क्या है कि देखो गर्मी की वजह से फिर भी सुबह शाम की तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन दिन में फिर भी अभी भी गर्मी है, और किचन में तो ज़्यादा ही गर्मी रहती है, खाना वगैरह बनता है
और ये पोहा नहीं रखूंगी किचन में, ये तो मैं नाश्ते में खाऊंगी बाद में, नहा करके पूजा करके अपना काम पूरा खत्म करके तब मैं खाऊंगी, तो ये मैं फ्रिज में नहीं रखूंगी वरना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो फ्रिज में नहीं रखूंगी तो कम से कम ठंडा नहीं होगा, तो गर्म नहीं रहेगा तो इतना ठंडा भी नहीं होगा। और ये भिंडी की सब्जी है जो मैंने सुबह बनाई थी। तो पोहा तो लेके गए थे बच्चे स्कूल में, क्योंकि बच्चों की थोड़ा मन कर रहा था कि पोहा लेके जाएं, पराठा और सब्जी तो डेली ही लेके जाते हैं, थोड़ा सा मम्मा चेंज करके बना दो, वही वो बोल रही थी। तो बस पोहा बनाया था मैंने बच्चों के लंच के लिए, और भिंडी की सब्जी और पराठा वो खा के गए थे। तो आज थोड़ा उल्टा करके किया उन्होंने, ये पोहा खा के जाना था वरना, पराठा सब्जी लेके जाना था, लेकिन वही है। फिर मैं पोहा अगर खाने के लिए भी देती और लंच में भी देती स्कूल में, तो फिर काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और भूख भी लगने लगती है। पोहा तो बहुत ही हल्का क्योंकि वो होता है खाना, इतना हैवी नहीं होता है। तो बस वही मैंने थोड़ा यही चेंज कर लिया कि पराठे सब्जी फिर मैंने उनको खाने के लिए बना दिया यहाँ पर, हल्का थोड़ा खा के चले गए पराठा और सब्जी, और पोहा कर दिया लंच के लिए पैक। और यहाँ मैं ले लूँगी अपनी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, तो आजकल बस मैं काढ़ा ही पी लेती हूँ। वैसे सुबह काढ़ा शुरू कर लिया मैंने अपना, क्योंकि सर्दियाँ भी बस, अब मौसम भी चेंज हो गया है थोड़ा, इधर तबीयत भी मेरी ऐसी है ही, तो बस काम तो स्टार्ट करती हूँ मैं सुबह को, लेकिन मन नहीं करता है काम करने का। और जितना मन नहीं करे ना आपका काम करने का, मुझे लगता है उतना ज़्यादा ही घर फैला हुआ होता है, इतना फैलाते हैं बच्चे, और बच्चों का ही सामान होता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चों का ही सामान होता है जो फैला देते हैं। मेरा अपना कोई ऐसा सामान नहीं होता खास, हम लोगों का कोई ऐसा सामान नहीं होता फैलाने वाला जितना बच्चों का होता है। और आजकल मैं बच्चों से बोलती भी नहीं हूँ ज़्यादा सामान समेटने के लिए, क्योंकि बच्चों के हो गए एग्ज़ाम शुरू, तो पहले तो काफ़ी दिनों से तैयारी में लग रहे थे और अब एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो अब तो कोई वो बनता ही नहीं कहने का, तो गुस्सा तो लगता है इतना ज़्यादा जब फैला देते हैं। क्योंकि एक तो ड्राइंग वगैरह करती है ना दोनों, तो बहुत ज़्यादा सामान फैलाती हैं ड्राइंग में, कलर पेपर फाड़ फाड़ के और इतना सारा सामान फैला देती हूँ। और ये देखो इतना फैल जाता है ना सामान सुबह में, और सुबह 5 बजे उठ के तो मैं पहले और कामों में लगती हूँ, जो काम मेरे लिए ज़रूरी होते हैं पहले मैं वो काम करती हूँ, और कभी कभी जब मौका लग जाता है ना तो मैं साथ के साथ सामान भी समेट देती हूँ। लेकिन वही मैंने बताया कि जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं करती हूँ सुबह के समय, ताकि बच्चे टाइम से स्कूल जा सकें। तो बच्चे और हस्बैंड अपने चले गए खा पी कर, और तब मैं लगी हूँ अपने काम से। तो पहले तो मेरी तबीयत ऐसी थी क्योंकि मैं 5 बजे से सुबह से लगी हुई थी, तो मुझे करीब 7:30 बज गए थे 5 बजे से लगातार लगे लगे, तो बस आधे घंटे पहले मैं थोड़ी सी बैठ गई थी, रेस्ट लिया मैंने आधे घंटे, तब मैंने अपना 8 बजे से काम स्टार्ट कर दिया। और ये भी इधर देखो, ये भी ड्राइंग कर रहे थे यहाँ पर बैठकर दोनों, तो कभी बाहर फैला देती हैं, जहाँ बैठती हैं वहीं सामान ही सामान फैला देते हैं बच्चे, तो यही होता है बच्चों के साथ में, काम ही बच्चों का होता है, काम बच्चों का ही होता है, हम लोगों का क्या काम होता है, बच्चों के लिए ही होता है जो कुछ होता है, बच्चों के लिए ही करते हैं। और तो कोई बात नहीं, मैं सारा सामान समेट दूंगी, सारा बस जगह पर रख दूंगी, और क्या समेटना होता है, बस वही सामान मुझे जगह पर रखना है वापस से जो जहाँ का सामान है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पता भी रहता है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, और उनको मिल भी जाता है आराम से, तो मुझे बार बार बताना भी नहीं पड़ता, ढूंढ के देना भी नहीं पड़ता, और बच्चों को भी ढूंढना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बच्चों को कोई सामान ढूंढना पड़ जाए ना, तो ये सोचो कि बस सामान की तो शामत आ जानी है, क्योंकि और ज़्यादा फैला के रख देते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं ऐसा सामान रखती हूँ संभाल के कि उनको वो सामान, अगर कोई सामान ढूंढ रहे हैं या कोई सामान ले रहे हैं तो वो सामान फैलाए ना, तो बस उनको सामान ऊपर ही रखा मिल जाए, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो सामान बाहर या ऊपर ही रखा मिल जाता है उनके, जिस चीज़ की जैसे कलर्स हैं, कैची है, और कैची की भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, आजकल तो स्कूल में भी मंगाने लगे हैं जैसे ड्राइंग वगैरह का कुछ कंपटीशन वगैरह होता है, तो वरना ऐसी चीज़ें मैं अलग रखती हूँ बच्चों से, कैची वगैरह हुई संभाल के, लेकिन अब मैंने ला के दे रखी है बच्चों के हिसाब से ला के दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि ध्यान से यूज़ करो, संभाल के यूज़ करो, क्योंकि डर लगता है मुझे बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन जब टीचर्स बोल रहे हैं तो फिर यूज़ करने के लिए देनी भी पड़ती है, जब स्कूल में बोल रहे हैं बुलाने के लिए। तो बस यही चीज़ें मुझे सब संभाल के अपनी अपनी जगह रख देती हूँ मैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो ले लेती हैं। और ये देखिए, ये भी मैं सारी बुक्स ही लेके जा रही हूँ। तो पहले तो मैं क्या करती थी कि बाबू काफ़ी हेल्प कराती थी मेरी रात को, पहले बाबू सारा सामान रात को ही समेट कर रख देती थी, और अब लेकिन सुबह में भी मैं 5 बजे उठाती हूँ, तो सुबह में पढ़ाई करती हैं दोनों उठ के, तो बस फिर इसी वजह से ना सामान नहीं समेट पाते। फिर मैं भी ये सोच लेती हूँ कि अब रात को भी समेटेंगी फिर सुबह को भी समेटेंगी, तो मैं रात को ना सारे सामान बस एक साइड में वहीं रखवा देती हूँ, जैसे टेबल पे या पलंग पे एक साइड में बुक्स वगैरह वहीं लगवा देती हूँ, और सुबह को फिर वो वहीं से वहीं फैल जाता है, वरना सुबह को फिर अंदर से लाना पड़ेगा, तो बस ये होता है। तो कोई बात नहीं, ये तो समेट गया मेरा सामान, बस थोड़ा सा मुझे तबीयत की दिक्कत हो रहती है तबीयत की वजह से, बाकी अगर मैं ठीक हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सामान समेट लूँगी, कितना भी काम कर लूँगी, बस थोड़ा जब तबीयत ठीक ना हो और वीकनेस जैसी लगे।
और आजकल तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो वीडियो में भी मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी निकलती है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे बोलने में भी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के फीवर, पता नहीं कैसे हैं, वीकनेस ज़्यादा लगती है। फीवर तो पता नहीं चलता, फीवर इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी वीकनेस आ जाती है बाद में। ऐसे लगता है बॉडी से जैसे जान सी निकल रही है, इतनी वीकनेस आ जाती है, इतनी कमजोरी, सर में दर्द, आँखों में दर्द है मेरे, और काम करने के बाद थकान इतनी हो जाती है कि आजकल तो वीडियो बनाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हो सकता है शायद इसी वजह से, और मेरा वीडियो डेली भी नहीं जा पा रहा है, ये दो चार दिनों से यही हो रहा है, क्योंकि मैं काम कर लेती हूँ फिर इतना थक जाती हूँ, इतनी वीकनेस सी आ जाती है, और फिर फीवर जैसा मुझे लगने लगता है दोबारा से, जैसे मुझे फीवर फिर से आ रहा है, और बस फिर मैं दवाई वगैरह खा के अपना लेट जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मन ही नहीं करता है वीडियो वगैरह बनाने का। तो काफ़ी पहले से तो खैर फ़ायदा हो गया है, लेकिन ये फीवर ऐसा ही होता है, ये वायरल फीवर जो होता है ये टाइम लगता है इसको बॉडी से निकलने में, धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे ये आता है वैसे धीरे धीरे ये बॉडी से निकल के जाता है। तो यहाँ मेरे सारे काम लगभग हो चुके हैं, काफ़ी काम, अंदर कमरे का सामान ठीक कर चुकी हूँ मैं दोनों कमरों का, यहाँ हॉल का भी सामान ठीक हो चुका है, और ये कपड़ों की तय कर दी है मैंने, और ये हैं सारे प्रेस के कपड़े जो मैं करूँगी प्रेस, और प्रेस भी मैं हाँ साथ के साथ कर लूँगी, क्योंकि प्रेस का काम क्या है कि जितने कपड़े पड़े रहते हैं ना जितने दिन, उतने ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, उतने बेकार हो जाते हैं, उतनी ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं कपड़ों में, जो कि प्रेस करने में और दुगना टाइम लगता है, तो मैं साथ के साथ प्रेस कर लेती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए हॉल का भी सामान मैंने सारा समेट दिया है, तो कितना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा जो पड़ा रहता है पूरा, तो कितना अच्छा लगता है। और अगर मैं ज़रा सा सामान मुझे कहीं रह जाता है, बुक्स वगैरह या कुछ कहीं रह जाता है ना, तो बच्चे आते हैं ये पूछते हैं पहले कि ये सामान नहीं हटाया मम्मा यहाँ से, ये सामान नहीं सही किया। तो बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है, जैसे करते हैं ना हम, जैसे माहौल में डालने लगते हैं बच्चों, बच्चे भी फिर वैसे ही सीखने लगते हैं। तो मैं पूरा समेट के रखती हूँ, तो बच्चों को भी वही आदत है, अब ज़रा सा कुछ सामान टाइम ना मिले उनको तो बात अलग है, वरना बाबू तो छोटा, तो खैर अभी छोटी है, लेकिन बाबू काफ़ी इन चीज़ों में मेरी हेल्प करती है कुछ सामान, और जैसे मेरी तबीयत ठीक भी नहीं होती है और मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प करा भी देती हैं मेरी दोनों मिलके, बाबू छोटा को भी साथ में लगवा के और सारे सामान वगैरह समेटवा देती हैं। तो बड़े बड़े काम तो मैं कभी नहीं करने देती हूँ, लेकिन सामान वगैरह समेटना, इतना सामान भी, इतना काम भी हो जाता है ना, तो घर का ऐसे लगता है कि आधी सफाई जैसे हो गई हो घर की। तो बस इधर लग गई मैं प्रेस करने के लिए, और प्रेस के कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ही मशीन लगाई थी, मतलब कुछ ज़्यादा दिनों बाद मशीन लगाई थी, तो कपड़े भी ज़्यादा ही हो गए थे, तो बेडशीट वगैरह भी हो गई थी, इधर ये कपड़े भी हो रहे थे, तो प्रेस के कपड़े भी ज़्यादा ही थे, यूनिफॉर्म वगैरह हो गई थी, दोनों यूनिफॉर्म थी। तो एक तो मैंने सुबह दे दी थी आज बच्चों को प्रेस करके, बल्कि सुबह यूनिफॉर्म में प्रेस कर दी थी, तो कुछ कपड़े कम हो गए थे इसमें से, वरना बहुत सारे कपड़े होते और ज़्यादा। तो बस मैं पहले प्रेस कर दूंगी, तब मैं उसके बाद कोई काम करूंगी। और इधर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था छत का, क्योंकि मौसम हो रहा है हमारे यहाँ ठंडा, करीब 8-10 दिन हो गए बारिश बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश जैसी हो रही है हल्की हल्की होने लगती है, और जब यहाँ प्रेस कर रही थी मैं तब भी हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी फिर बाद में। और पौधे देखो कितने सुंदर पौधे दिख रहे हैं यहाँ से भी, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा लगता है, हरियाली होती है, पौधे लगे रहते हैं घर में, तो बस उनकी भी साफ़ सफाई करनी है मुझे, थोड़ा घास वगैरह हटानी है और पौधे हटा के भी वहाँ से साफ़ करना है छत को, तो वो मैं फिर करूँगी किसी दिन, क्योंकि जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना कुछ, तो जैसे आज ज़्यादा फैला हुआ था, तो कुछ ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो फिर मेरी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, मुझे ज़्यादा वीकनेस आती है, तो फिर मुझे ये रहता है कि अगले दिन दिक्कत और ज़्यादा होती है मुझे सुबह उठने में बच्चों के साथ में। और आप तो समझ सकते होंगे कि बच्चों के साथ सुबह उठना कितना ज़रूरी होता है, सुबह 5 बजे खड़े होना होता है बच्चों के साथ में, तभी जाके बच्चे टाइम से स्कूल जा पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मैं इसी के साथ पहले कर लेती हूँ प्रेस, जल्दी से करके रख देती हूँ। भी हमारी हो चुकी है प्रेस, मैंने कर ली है सारे कपड़ों पे, और बस मैं कर रही हूँ अब यहाँ पर हैंकी पे प्रेस सबके। तो अच्छा लगता है मुझे हैंकी पे प्रेस करके, सारे कपड़ों पे प्रेस करके, और प्रेस करके पहले से ही रखती हूँ मैं, तय वगैरह करके सही से रखती हूँ, तो जब टाइम पे ज़रूरत होती है ना कपड़ों की, और जब हम निकाल के देते हैं तैयार हुए, तो अच्छा लगता है मुझे, साथ के साथ जब प्रेस करके देने हो ना कपड़ों पे, तो वो नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। और अभी तो बारिश हो रही थी, अब थोड़ी देर बाद ही निकल आई है धूप, तो बहुत ये चेंज हो रहा है ना मौसम, यही है बीमारी की जड़,
जो बीमारियां चल रही हैं, वायरल फीवर वगैरह चल रहे हैं, वो यही है कि कभी तो मिनटों में ठंडा हो जाता है मौसम, कभी मिनटों में गर्मी हो जाती है। तो बस मैंने सारा सामान ही लगभग मेरा समेट चुका है और रह गई है ये टेबल। तो ये भी ये आप देख सकते होंगे, इस पर सारा सामान केवल बच्चों का ही फैला हुआ है। कुछ ड्राइंग का ज़्यादा फैल जाता है, अगर वैसे पढ़ाई करते हैं ना बुक्स वगैरह में तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है, लेकिन अगर ड्राइंग करते हैं ना तो कलर हैं, पेपर हैं और पता नहीं क्या क्या सामान इस पर फैल जाता है पूरा। तो मैं यहाँ इसलिए बोलती हूँ उनको करने के लिए कि वो आराम से कर पाते हैं, वरना बेड वगैरह पर बैठ के करते हैं तो उनको झुकना पड़ता है ज़्यादा, फिर ना थोड़ा बच्चों के बैठने उठने का वो रहता है, कमर वगैरह का मुझे ये रहता है कि ज़्यादा झुके करती हैं, गर्दन दुखने लगती है, सर में दर्द हो जाता है। तो मैं यहीं टेबल पे ही बोलती हूँ, और अगर यहाँ पर नहीं कर पाती हैं कभी, जैसे यहाँ तो कभी कई बार मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ पर बैठ कर हॉल में, क्योंकि मच्छर इस समय इतना है कि कहीं भी बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, इतना मच्छर है इस समय। तो अगर कई बार यहाँ ज़्यादा मच्छर लगते हैं तो तब मैं बोल देती हूँ कि जाओ अंदर जाके कर लो। बस मैं ये टेबल भी साफ़ कर दूंगी अब अच्छे से, क्योंकि टेबल पे ना कुछ बैठकर जैसे खाते पीते हैं अपना, कुछ ग्लास वगैरह रखते हैं, कप रखते हैं जैसे, तो उसके निशान वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो धूल तो ऐसी कपड़े से हो जाती है, पानी से भी हो जाती है साफ़, लेकिन निशान वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं सही से साफ़ हो पाते हैं, थोड़ा निशान अच्छे नहीं लगते, फिर लगे रहते हैं इस पर। तो बस मैं इसको अच्छे से टेबल को भी साफ़ कर दूंगी तो ये बिल्कुल चमक जाएगी, और जो सामान है वो मैं देखती जा रही हूँ और हटाती जा रही हूँ, जो ज़रूरत का नहीं होता है वो मैं हटा देती हूँ, और जो ज़रूरत का मुझे लगता है वो मैं रख देती हूँ संभाल के। बाकी सामान मैंने समेट दिया है पूरा, सब कुछ सही हो गया है सामान। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको स्टैंड को भी मैं लगते हाथ साफ कर लूँ, सही करना है, मतलब साफ तो करना ही करना है, सही भी करना है, जो कि मैं कई दिन हो गए मुझे काम के चक्कर में टाइम मिलता ही नहीं है, फिर काम खत्म होता है तब तक फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ चलो कल करेंगे। तो आप देखो इसकी हालत इतनी बेकार हो रखी है, ये हमने ऑनलाइन मंगाया था लेकिन बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल बेकार चीज़ निकली। उस समय तो अच्छा लग रहा था कि सही है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे सारा गल के टूट गया है पूरा, इतना बेकार हो गया है कि इसमें ना चप्पल वगैरह रख रहे हैं तो वो रुक ही नहीं रहे हैं, इस पर टूट टूट के गिर जा रहा है पूरा, गल गया है, इसके अंदर का कपड़ा भी गल गया है और ऊपर का कवर की हालत देख सकते होंगे, नीचे पड़ा हुआ है, पूरा बेकार हो रहा था। बल्कि मैंने उतारा है ना इसको तो हाथ लगाते ही टूट टूट के गिर रहा था, और आप देखो ये स्टैंड कर दिया मैंने सही, तो ये देखो कितना मजबूत हो चुका है। जो मुझे इसमें करीब एक घंटे का टाइम लगा था पूरा स्टैंड को सही करने में, तो एक घंटे में लेकिन काफ़ी मजबूत बन के सही हो गया है, कि अगर मैं अब इसको उठा भी रही हूँ ना तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, वरना पहले जरा सा हाथ लगाते ही पूरा निकल के आ जाता था। और ये इसी की वजह से ये कवर भी टूट टूट के गिर रहा था और धूल भी इतनी आ रही थी, तो सारे जूते चप्पलें हैं काफ़ी धूल हो गई थी सब में, तो बस मैं जूते चप्पलें सारे साफ करके तब मैं स्टैंड में लगाऊंगी। तो ये देखो किसी भी चीज़ में टाइम तो लगता है, टाइम हमें देना पड़ता है किसी भी काम करने में, लेकिन चीज़ फिर देखो कितना अच्छे से स्टैंड हो गया है। अगर मैं इसको फेंक देती तो नुकसान ही तो होता, तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा टाइम देके सही कर लिया, अगर थोड़ा सा सोच के, थोड़ा समझ के, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम लगा के इसको सही कर लिया तो अपने पैसे भी बचाए, वरना दूसरा तो लेना ही पड़ता, दूसरे के बिना तो काम चलता ही नहीं, क्योंकि इतने जूते चप्पलें कहाँ रखेंगे वरना, और फैले पड़े रहते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं मुझे घर में जूते चप्पले। तो इसमें कम से कम स्टैंड में ये तो है कि कोने में तो लगे रहते हैं, तो कवर का ये है कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगी कवर का, मैं या तो मैं देखूंगी मार्केट से मिल जाएगा तो, वरना मैं घर में अगर बन सकता है तो मैं घर में बना दूंगी। तो कवर से थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा दिखते नहीं है शूज़ वगैरह जैसे इसमें रखे रहते हैं स्टैंड में। तो ये देखो इतना सारा कबाड़ा निकल के आया है घर में से, ऐसे लगता है जैसे रोज़ सफाई नहीं करते हो, तो ये रोज़ सफाई वाला ही है कि रोज़ सफाई करने के बावजूद भी इतना कूड़ा निकल के आया है, क्योंकि ये स्टैंड की वजह से ज़्यादा है। तो बस मैं अब कर लेती हूँ जल्दी से, कूड़ा उठा लूँगी और फिर मैं इसके बाद में पोछा लगा के और बस मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और फ्रेंड्स नहा के मैं आ चुकी हूँ, नहा के पूजा कर चुकी हूँ और टाइम देख सकते होंगे आप, टाइम हो गया है 12। तो 8 बजे से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, वैसे तो काम मैंने सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो साफ़ सफाई का क्लीनिंग का काम था वो मैंने किया था
8 बजे से स्टार्ट अपना चाय पी के बस मैं लगी थी, और मैंने दवाई भी नहीं खाई है क्योंकि मुझे कुछ खाना पड़ता तब मैं दवाई खाती। मैंने कुछ खाया भी नहीं है अभी इस चक्कर में, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था खाने का, केवल मैंने चाय पी थी। तो 12 बज चुके हैं, 4 घंटे हो गए मुझे बराबर लगातार काम करते हुए, लेकिन काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। और अब लेकिन काम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मुझे अपने लिए मेहंदी घोल के रखनी है अभी, तो मैं तब देखूंगी बाद में क्या करना है, और फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे की है मैंने क्लीनिंग, और अब कैसा लग रहा है हमारे घर, और उससे पहले कैसा लग रहा था आपने देखा था। तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ जब काम ख़त्म होता है, क्योंकि मैं बाहर होती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते होंगे आप, ये है हमारा बेडरूम। और ये देखिए मैंने चप्पलों का स्टैंड भी कर दिया है ठीक, ये देखो काफी मजबूती से कर दिया है। अब लेकिन इसके लिए मुझे कवर बनाना है, तो मैं कवर के लिए देखूंगी कि कवर कैसे बनेगा इसका, कोशिश करूंगी कि मैं कवर बना दूं इसका, तो इसमें धूल वगैरह नहीं जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टैंड सही हो गया है या नहीं, कैसा लग रहा है अब इस तरह करके। तो काफी मजबूत हो गया है, लेकिन अब जाएगा तो कहीं नहीं, काफी मजबूत हो गया है, जूते चप्पल भी रख रही है तो कहीं नहीं जा रहा है, वरना बिल्कुल बेकार हो गया था, कूड़े में फेंकने वाला, समझो कूड़े में फेंकने वाला हो गया था कि कूड़े में फेंक दो, बिल्कुल ऐसा हो गया था। और ये देखिए यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, और ये देखिए ये रूम भी देखिए, तो यहाँ ये बुक्स वगैरह रखी हैं अभी बाबू छोटा की, तो वो अपना देख के रख लेंगे, अपना जो रखनी है जो लगानी है मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके रख दी। तो ये वाला रूम भी देखिए, और इधर देखिए ये, इधर ये कपड़े की तय करके, सारे कपड़ों की तय करके, प्रेस करके सब मैंने वहाँ लगा दिए हैं, अभी मैं बाद में लगा दूंगी अंदर अलमारी में। तो अभी पूरा हॉल देखिए, पूरा हॉल, और ये बेडशीट मैंने अंदर से यहाँ ला के बिछा दिए, क्योंकि अब जब मैं वॉशिंग मशीन, अब मैं मशीन लगाऊंगी जिस दिन कपड़े धुलूंगी, तो मैं यहीं से उतार के इसको धुल दूंगी, वरना वहां से निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, वहां सामान वगैरह रखा हुआ है काफ़ी, तो इसलिए मैंने यहां पर बिछा दिए। तो यहीं से उतार के अब मशीन लगाऊंगी, कल तो कपड़े धुले हैं मैंने, अभी तो 1-2 दिन तो नहीं लगाऊंगी, और बाकी किचन का भी मेरा पूरा काम हो चुका है ख़त्म, और बाकी किचन भी मेरी साफ हो चुकी है। थोड़े से वो बोतलें वगैरह हैं वहाँ पर जो मुझे लगानी है, बोतलें और टिफिन वगैरह हैं, तो वो मैंने अभी नहीं लगाए थे, बाकी पूरी किचन साफ हो गई है, बर्तन बर्तन सब धुल दिए। मुझे लगता है आज का व्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो गया होगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है आज का, क्योंकि काफ़ी क्लीनिंग का, पूरा व्लॉग क्लीनिंग का ही था आज का। तो और इसी के साथ कर लेंगे अब इस वीडियो का एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।